जिलाधिकारी अनुराधा पाल ने नगर पालिका सभागार में उत्तरायणी मेले को लेकर बैठक ली। उन्होंने कहा कि उत्तरायणी मेले को इस बार भव्य रूप दिया जाएगा। मेले में कुछ नया किए जाने के लिए उन्होंने प्रस्ताव बनाने को कहा। मेला समिति की बैठक लेते हुए उन्होंने कहा कि सभी समितियां अपनी अपनी तैयारियां करना सुनिश्चित करें। साथ ही उन्होंने कहा कि इस बार सरयू घाट पर शाम को भव्य आरती के साथ दीपोत्सव का आयोजन किया जाएगा। उसके उपरांत लेजर शो का भी आयोजन किया जाएगा। 14 जनवरी को भव्य सुंदर झांकी का आयोजन होगा। जिलाधिकारी अनुराधा पाल ने उत्तरायणी मेले को सफल रूप से संचालित करने हेतु सभी से सहभागिता की अपील की है। बनाने के लिए हमारे हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। जैसा कि आप देख रहे होंगे कि सभी प्रकार की तैयारियां अंतिम चरणों में है और आज जो है हमारी जो समितियां बनी हुई है मेला से संबंधित उनकी यहाँ पर खुली बैठक यहाँ पर हमने रखी है। सारी समितियों की बैठक यहाँ पर हुई है जिसमें कि अभी हमारी जिलाधिकारी महोदय भी यहाँ पर थी, हमारे मेला अधिकारी SDM सर भी यहीं पर हैं, तो और सभी समिति के सदस्यगण भी आए हुए हैं। तो अभी तक की जो जानकारी है कि मेला तो हम लोग पूरी तैयारी कर रहे हैं, अब आगे क्या गाइडलाइन आती है उस पर अभी हम लोगों ने अभी उस पर विचार करेंगे, उस पर जैसा भी आएगा। पर लेकिन अभी इसमें आप जानते हैं कि मुख्यमंत्री ने भी इस बार कहा है कि हम इस उत्तरायणी मेले को एक राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाने के लिए इसको भरपूर प्रयास करेंगे कि इसको बहुत अच्छा मेला इसको बनाएंगे कुंभ की भांति। तो हम उसी प्रकार से प्रयास कर रहे हैं और अभी जिलाधिकारी महोदय ने भी इस बात को कही है। तो हम पूरा प्रयास करेंगे कि हमारा 2023 का मेला जो 2 साल बाद हो रहा है तो उसको जो है भव्य और आकर्षक बनाएंगे। देखिए, इस पर जो व्यापारी आते हैं उनके लिए भी हमने समिति बना रही है, व्यापारी कल्याण समिति बना रखी है कि उनकी कोई भी समस्याएं होती हैं उसके लिए उसमें एक नोडल अधिकारी भी उसमें हमारे हैं और बाकी उसमें हमारे मेला समिति के सदस्य भी हैं। तो इस प्रकार की अगर कोई समस्या आती है और हमारे संज्ञान में आती है और समिति के संज्ञान में आती है तो निश्चित रूप से उनका निवारण भी किया जाएगा कि किस प्रकार से उनको क्या समस्या आ रही है। और जो भी व्यापारी आ रहे हैं मैं आपके चैनल के माध्यम से कहूँगा कि वो लोग जब भी आए यहाँ पर आएँ तो एक बार नगर पालिका में आके सूचित कर दें और अपना लाइसेंस वगैरह यहाँ पर व्यापार करने का लाइसेंस जरूर बना लें यहाँ पर से। कोरोना के लिए हमारी कल भी एक मॉक ड्रिल हुई है। हम लोग पूरा प्लान करके चले हैं कि सब लोगों को बूस्टर डोज किस तरह लगाई जाए। कैंप हम लोग रोस्टर जारी कर रहे हैं विलेज वाइज कि कहाँ कहाँ पर कितना कैंप लगाए। 10,000 डोज की हमने फर्स्ट फेज में डिमांड कर लिया, वो शायद आज तक हमारे पास पहुँच जाएंगी। तो ये हम कोरोना से लोगों को यही है कि कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, अब उसको अपनाते रहें। और बूस्टर डोज आप लोगों से भी मेरी अपील रहेगी कि लोगों से कहें कि बूस्टर डोज लगवा लें। कोरोना आएगा उसका संक्रामकता भी ज़्यादा होगी पर वो उतना भयावह नहीं होगा, नॉर्मल जो हमारा वायरस रह जाता है उस तरह से निकल जाएगा। तो लोगों को घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, लोग उसको मतलब बहुत नॉर्मल रूटीन में लेकर ही चलें। ये हम कोरोना के तो लगातार हमारी मॉक ड्रिल्स भी चल रही हैं और उसके लिए प्रिपरेशन हो रही है। दूसरा, हम उत्तरायणी की बात करते हैं तो चूंकि उत्तरायणी 2 साल कोविड की वजह से नहीं लगा, इस बार हम इसको भव्य आयोजन को लेके इसका हम प्रचार प्रसार कर रहे हैं। हमारी जो बेसिक सिटी की जो साफ़ सफाई की व्यवस्था है, सिटी का रंग रोगन है, चूँकि ये तो हमारा हर साल का काम है और इसको हमें करना ही चाहिए। एक सिटी को की स्वच्छता और सुंदरता, उस मेला हो नहीं हो वो भी तभी भी आवश्यक है। तो फर्स्ट फेज में हम लोगों ने यही काम लिया है। बाकी अगर हम लोग पूरी प्लानिंग हम लोगों ने कर ली है कि दुकानें कहाँ आवंटित होगी, कैसे होंगी, कौन कौन से सांस्कृतिक दल आएंगे, किस तरह से हमारे VVIPs कैसे आने हैं या प्रचार प्रसार कैसे किया जाना है, वो हमारी प्रिपरेशन चल रही है। जहाँ तक अगर कोरोना पे कोई अगर बंदिशें आती हैं या हमें गैदरिंग की अनुमति नहीं होती तो वो एज पर जो दिशा निर्देश भारत सरकार की गाइडलाइन आएगी उसके हिसाब से काम किया जाएगा, अन्यथा हमारी तैयारी दोनों के लिए पूरी तरह से पूर्ण है। CCN न्यूज़ के लिए ब्यूरो रिपोर्ट, बागेश्वर।